क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें बीओ ऑफिशियल चैनल को और दबाएं बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। व्यूअर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि एबी डिविलियर्स ने ऐसा पैगाम जारी किया है कि पाकिस्तानियों समेत तमाम मुसलमानों को खुश कर दिया है। व्यूअर जनूबी अफ्रीका से तल्लक रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता क्रिकेटर एबी डिविलियर्स के यहाँ तीसरे बच्चे की आमद मुतवक्का है। इस मौके पर उन्होंने बच्चे के नाम के हवाले से एक ऐसा ऐलान कर दिया है कि बरे सगीर से तल्लक रखने वाले उनके मदाह बेअख्तियार मुस्कुरा उठेंगे। व्यूअर डिविलियर्स का कहना है कि उन्होंने 6 साल कबल मोहब्बत की अजीम यादगार ताजमहल के सामने अपनी मंगेतर को शादी की पेशकश की थी, जो अब उनकी बेगम और उनके 2 बच्चों की माँ है। अपनी जिंदगी के इसी शानदार लम्हे की याद में अब वो अपने तीसरे बच्चे का नाम ताज रखेंगे। व्यूज टाइम ऑफ इंडिया के मुताबिक एबी डिविलियर्स का कहना है कि उन्होंने 2012 में अपनी उस वक़्त की मंगेतर को शादी की पेशकश की थी, जिसे उसने मुस्कुराकर कबूल कर लिया था। एबी डिविलियर्स और उनकी अहलिया डैनियल के यहाँ 2015 में 1 बच्चे की पैदाइश हुई, जिसका नाम उन्होंने इब्राहिम डिविलियर्स जूनियर रखा। व्यूज जबकि 2017 में पैदा होने वाले बच्चे का नाम जॉन रिचर्ड डिविलियर रखा। अब उनके यहाँ तीसरे बच्चे की पैदाइश मुतवक्का है और वो अपनी मोहब्बत की याद में उसका नाम ताज रखना चाहते हैं। याद रहे कि इससे पहले जनूबी अफ्रीका के ही क्रिकेटर जोंटी रोड्स अपनी बेटी का नाम इंडिया रख चुके हैं क्योंकि उसकी पैदाइश इंडिया में हुई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।